इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं शुरुआत के एक मिनट में बता दूंगा, उसके बाद की पूरी वीडियो इज ऑन द डिटेलिंग। विंटर वेयर के टू सबसे पॉपुलर आउटरवेयर टाइप होते हैं ओवरकोट एंड पीकोट, और आज के वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं और आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट में किस प्रकार का आउटरवेयर जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इन दोनों टाइप के आउटरवेयर में तीन मेजर डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट इज ऑफ द लेंथ, सेकेंड इज द टेक्स्चर एंड थर्ड इज द यूसेज, कि हम किस प्रकार के कोट को कब पहनते हैं। पीकोट इज समथिंग विच आई एम वेयरिंग, ये उस प्रकार के कोट को कहते हैं जिसकी लेंथ आपके मिड थाई से लेकर घुटने के बीच में कहीं जाके खत्म होती है। कन्वेंशनली ये डबल ब्रेस्टेड कोट होते थे, बट नाउ डेज यू विल फाइंड मेनी ऑप्शंस विच आर सिंगल ब्रेस्टेड समथिंग लाइक दिस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये थोड़े से रफ वुल या थोड़े रफ मटेरियल का बनता है। ओवरकोट आपके नी के नीचे खत्म होने वाले कोट को कहते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट्स ये आपके आउटफिट का सबसे बाहर का लेयर होता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड ओवरकोट। पीकोट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वर्सेटाइल टाइप के कोट को कहते हैं। ये एक जनरली शॉर्ट कोट होता है जो थोड़े से रफ वूल से बनाया जाता है। ओरिजिनली ये यूरोपियन और अमेरिकन सेलर्स पहना करते थे टू सेव देम फ्रॉम द कोल्ड इन द सी। आज भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स ऑफ अ पीकोट इज ब्लू। ये एक प्रकार के कोट में आता है जिसे आप बहुत आराम से मल्टीपल आउटफिट्स और ओकेजन में स्टाइल कर सकते हैं। आप इसे अपने फॉर्मल आउटफिट्स के साथ पहने, व्हेन यू आर वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर, आप इसे जीन्स या चीनों के साथ पेयर कर सकते हैं, इधर यू कैन वेयर अ शर्ट विद इट, और जिस प्रकार से मैंने एक हैंडले पहना हुआ है ये हैंडले के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। लेंथ इसकी घुटने के थोड़े ऊपर में जाके ख़त्म होती है, जस्ट टू गिव यू मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज वन बेसिक हैंडीकैप व्हेन यू कंपेयर इट विथ अ ओवरकोट। ओवरकोट उस प्रकार के कोट को कहते हैं जिसे आप सूट के जैकेट या स्पोर्ट्स जैकेट या ब्लेजर के ऊपर पहनते हैं, एंड दिस बिकम्स द आउटर मोस्ट लेयर फॉर यू, जो हेल्प करता है आपको एक्सट्रीम ठंड में कंफर्टेबल रखने में। एज फार एज लेंथ इज कंसर्न, ये हमेशा आपके घुटने के नीचे जाके ख़त्म होता है, क्योंकि इसका इंटेंशन है टू गिव यू मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड, और चूंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है इसीलिए बहुत बार मूवमेंट में आपको बहुत दिक्कत होती है। जब आप तेज़ी से चल रहे हैं और वेन यू आर सिटिंग इन अ कार, दैट इज़ वेन ओवरकोट बिकम्स अ बिग इशू। एज कम्पेयर टू अ पीकोट, ये सॉफ्ट होता है पहनने में भी और देखने में भी। बहुत बार ओवरकोट में थोड़ा सा डिटेल देने के लिए उसमें हल्की सी ग्लेज दी जाती है, थोड़ा सा शाइन दिया जाता है, विच फर्दर एड्स टू द विजुअल अपील ऑफ द कोट। जहाँ तक के बटन की बात है, चूंकि आपके बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है इसलिए इसके मल्टीपल बटन्स होते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कोट जिसे अगर आप खुल के भी रखेंगे तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इट जस्ट इन्हेंसेज द नंबर ऑफ लेयर्स व्हाट यू आर वेयरिंग। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ आउटरवेयर जो कि सूट्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम्स जब आप इसकी प्रमोशनल वीडियोज देखेंगे या फोटोग्राफ्स देखेंगे वो सूट्स के ऊपर पहना हुआ दिखाया जाता है, बिकॉज इट गिव्स एन एडिशनल चार्म टू द आउटफिट। मेरे पास एक ओवरकोट भी है और एक पीकोट भी है। ओवरकोट इज ऑफ ब्लैक कलर एंड पीकोट इज ऑफ ग्रे कलर। इन दोनों को पहनने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें इनके बारे में समझी हैं। फर्स्ट इज द कलर। माई सजेशन इज गो फॉर डार्कर कलर्स। फोर ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर्स आर ब्लैक, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रे। ऐसे डार्क और ड्रैप कलर्स नहीं पसंद करते, यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग इन ऑरेंज और टैन ब्राउन, ये कलर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे एज लॉन्ग एज वो आपके स्किन टोन के साथ मैच करें। वो फॉर मीडियम फिट, ना ही वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो ना ही वो बहुत ज़्यादा टाइट हो। अगर वो बहुत रिलैक्स्ड होगा तब एक तो वो आप पे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, यू विल लुक लाइक अ हैंगर, एंड सेकेंड उसमें अगर ज़्यादा स्पेस रहेगी सो हो सकता है एयर पास करे जो कि आपको वार्म नहीं रखेगा। द रीज़न हमें इसे बहुत फिटिंग वाला नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज ठंड का एक ऐसा समय होता है डैट यू विल नीड लेयर्स टू वेयर। हो सकता है आप स्वेटर पहने, हो सकता है आप मफलर पहने, एंड यू वुड नीड सम स्पेस टू अकोमोडेट दीज थिंग्स। इसलिए एक मीडियम फिट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे।
बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे एंड दे आर कन्वेंशनल। माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ टू वेयर अ पीकोट, जिसे आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ, ओकेजन्स के साथ और समय में पहन सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू कैरी, इट इज़ वेरी ईजी टू वेयर एंड मेंटेन, और इसे आप बहुत आराम से स्टाइल कर सकते हैं, अपना स्टाइलिंग गेम अप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज टेक केयर एंड स्टे स्टाइलिश।